नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंकित, पकड़, पकड़, पकड़। अरे, संभल के। अंकित। बाबू, रोहित जी। अरे यार, कोई खास बात? हमारे गांव में एक बाबू साहब रहते थे, उनकी सूरत आपसे मिलती है। मैंने सोचा शायद आप वही हो। सूरत? आपने उनकी सूरत देखी थी? हर आवाज मन में एक तस्वीर बनाती है। आपकी आवाज सुनकर पता नहीं क्यों बाबू का चेहरा उभरता है। हाँ, बहुत आवाजें एक जैसी होती हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं रोहित जी। जी। अगर आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते, हालात की वजह से वो आपसे बिछड़ जाती, वक्त गुजरने पर वो आपके सामने फिर से एक बार आ जाती, फर्क सिर्फ इतना होता इस बार वो किसी और की होने जा रही है, तो आप क्या करते? चुपचाप तमाशा देखते या उसे अपना लेते? ऐसे सवालों का क्या फायदा दुर्गा जी, मरे हुए लोग लौट कर नहीं आते। मैंने तो बिछड़ने की बात की, मरने की बात की नहीं रोहित जी। जीते जी अपने प्यार से बिछड़ जाना मरने के बराबर होता है ना दुर्गा जी। आप ठीक कह रहे रोहित जी, ठीक कह रहे हो। दुर्गा, कहाँ जा रही हो? मैं जी वो क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। मैं देख रहा हूँ जब से हमारी मंगनी हुई है तुम चुपचाप सी रहती हो, खुश नहीं हो तुम? मैं बहुत खुश हूं, सच। झूठ। जो लड़की मेरी आंखों में आके डाक कर मुझे डांट सकती थी वो आज मुझे नजरें चुरा रही है। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी चोरी साफ नजर आ रही है। आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लगता है तुम कुछ नहीं बताओगी, मुझे ही बताना पड़ेगा। जानती हो तुमने मुझसे क्या चुराया? मेरा दिल। और ये गलती करने के बाद तुम एक और गलती करने जा रही हो। अब कैसी गलती? ऐसे मौसम में हमसे दूर रहने की। मतलब? ये हमारे प्यार की पहली बरसात है, और कहते हैं जो प्रेमी इस बरसात में भीग जाए उनका बंधन अटूट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कम ऑन, कम ऑन। ए दुर्गा, आई लव यू।
ही तुम्हारा बाबू है। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। ये भी तो हो सकता है कि मेरा शक सही हो। बाबू की ही आवाज, बाबू की तरह इनका भी एक्सीडेंट, बाबू की तरह इनका वापस आना। तुम्हारा बाबू मर चुका है दुर्गा, अगर जिंदा है तो तुम्हारी उम्मीद। तुम्हारी शादी होने जा रही है दुर्गा, राज तुम्हारा भविष्य है और तुम अपने अतीत का दामन पकड़े हुए हो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा, ये सच जाने बिना मैं शादी नहीं कर सकती। आपने तो बाबू को देखा है ना, आप रोहित को देखकर बता सकते हैं कि वो मेरे बाबू हैं या नहीं, आप पहचान सकते हो उन्हें। देखो दुर्गा, मैं तुम्हारे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता। बाबा अगर आप चाहते हैं कि मैं राज को अपने दिल में बसा लूं, तो मुझे बाबू की यादों की चिता जलानी होगी और ये मैं आपके बगैर नहीं कर सकती। वो देखिए बाबा, राज के साथ जो बैठे। मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। क्या कह रहे हो पापा? आपको पूरा यकीन है आपने नहीं देखा? मुझे पूरा यकीन है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रोहित तुम। मुझे लगता है कि तुम्हें राज और दुर्गा को सब कुछ बता देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है डॉक्टर साहब, मेरे मरे हुए रहने में राज और दुर्गा की भलाई है। तुम समझ नहीं रहे हो रोहित, अगर तुमने मुझे पहले फोन नहीं किया होता तो मैं दुर्गा के सामने इस तरह अनजान नहीं बनता, तुम्हें पहचान लेता। इस बार तुम बच गए हो, लेकिन कभी उन दोनों में से किसी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कल मेहंदी है, परसों शादी, हवन कुंड की आग में सारा तीर जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद मैं राज और दुर्गा की जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहूंगा। राज, राज, राम सिंह, एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी मिले और तुम मुझे देख सको, और जब ऐसा हुआ तो मुझे ही तुम्हारे साथ आग में झोली खेलनी पड़ी, तुमसे छुपना पड़ा। लेकिन अब छुपने के लिए भी जगह नहीं है दुर्गा। क्यों बाबू, क्यों छुपते रहे मुझसे, क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? मैं तड़पती रही और तुम देखते रहे, क्यों? अब इस क्यों का जवाब देने का वक्त निकल चुका है दुर्गा, बहुत देर हो चुकी है। दो दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी तो मेरी तब भी होने वाली थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारा दिया हुआ मंगलसूत्र हाथ में थामे तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम्हारे मरने के गम में जीती रही, तुम्हें खोने का अफसोस करती रही। और जब तुम वापस लौटे तो तुमने पहचाना तक नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने इस क्यों का जवाब मांगूं तुमसे? अगर मैं तुमसे छुपा तो वह इसीलिए कि जिस दिन मैं लौटा तुम्हारी मंगनी राज के साथ हो चुकी थी, तुम राज की हो चुकी थी दुर्गा।
तब तक तीर की इस नाइंसाफी पर तुमने हमारे प्यार की कुर्बानी की मोहर लगा दी। मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। सारे फैसले खुद ही कर ले। ये हक तुम्हें किसने दिया बाबू? और कोई रास्ता नहीं था दुर्गा, तुम्हारे और ये हक तुम्हें किसने दिया? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलत फैसला किया है तो लो, थाम लो मेरा हाथ और चलो यहां से अभी इसी वक्त। पकड़ा तो राज को, उसके सपनों को, उसकी खुशियों को। सोच क्या रही हो दुर्गा? थाम लो मेरा। दोनों के पैरों में एक ही जंजीर बंधी है, राज की अच्छाई की जंजीर, उसकी दोस्ती की जंजीर, उसकी मोहब्बत की जंजीर। राज के सपनों का महल तोड़कर हम अपना घर कैसे बसाएंगे? इतना खुद गर्ज ना मैं हूं और ना तुम। हमारे अतीत का साया अगर राज और तुम्हारे भविष्य पर पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वादा करो दुर्गा कि राज को हमारे बारे में कभी पता ना चले। मुझसे वादा करो दुर्गा, मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूं। मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी बाबू? इस बात का यकीन है मुझे दुर्गा, राज की मोहब्बत तुम्हें सब कुछ भुला देगी। रोहित, रोहित, रोहित! राज, ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ पिताजी, मैं इसे जान से मार दूंगा। पागल हो गए हो तुम? रोहित तुम्हारे बचपन का दोस्त है। इसी बात का तो अफसोस है, जो मेरा सब कुछ छीनना चाहता है वो मेरे बचपन का दोस्त है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी में तो अब तक जी रहा था मां, मुझे लगा था कि मुझे घर बसाता देख सबसे ज्यादा खुशी इसे होगी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरी जिंदगी में दोबारा इसलिए आया है ताकि ये मेरा सब कुछ छीन सके। लेकिन गलती इसकी नहीं, मेरी है। बचपन से इसे मैंने अपनी भाई की तरह समझा। मेरे लिए इस घर में जो कुछ भी आया उसमें से बराबर का हिस्सा मैंने इसे दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन हिस्सा लेते लेते इसे हिस्सा लेने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि मेरे प्यार में भी अपना हिस्सा मांगने लगेगा। लेकिन आज मैं इसे हिस्सा नहीं सजा दूंगा। भैया ये क्या कर रहे हो आप? एक बार इन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। बताइए रोहित भैया, सच्चाई क्या है? सच ये क्या बताएगा, इसकी नीयत तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन पहली बार मैंने इसे दुर्गा से मिलाया था। उस दिन तो ये चुप रहा लेकिन मेरी पीठ के पीछे अपनी बातों से भोली भाली दुर्गा को फुसलाता रहा। राम सिंह, राम सिंह,
ये देखो मेरे दोस्त की मूर्ति, ये मेरी होने वाली पत्नी ने बनाई है और मैं जानता तक भी नहीं क्यों। दुर्गा के हाथ में मेहंदी भले ही मेरे नाम की है, पर उस मेहंदी की खुशबू इस एहसान परामोश की है। शादी के बाद दुर्गा भले ही मेरी बाहों में होगी, पर उसकी आत्मा इस मक्कार के कब्जे में होगी। बस कीजिए। जिस दोस्त को आप कमीना, मक्कार और एहसान फरामोश कह रहे हैं, वो आपकी दोस्ती के लिए क्या कुछ कर रहा है आप जानते तक नहीं। ये सच है कि शादी के कार्ड पे भले आपका नाम हो, लेकिन मेरे दिल पे रोहित का नाम छपा है। हाँ ये सच है कि मेहंदी मैंने आपके नाम की लगाई है, लेकिन इसकी खुशबू रोहित की है। मेरे हाथों पे तो क्या, मेरे दिल पे, मेरे दिमाग के हर हिस्से पे रोहित का नाम है, क्योंकि मैं आपसे नहीं रोहित से प्यार करती हूँ। जिसने मेरी आंखों को रोशनी दी, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्यार की दुनिया के अंदर तक लेके गया, जिसने जमीन पे मुश्किल से चलने वाली मुझ जैसी लड़की को आसमान के सपने दिखाए, वो बाबू और कोई नहीं रोहित ही है। रोहित ही मेरा बाबू है। हाँ राज साहब, जिसे आप गद्दार और एहसान फरामोश कहकर अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हैं, उसने खुद अपने प्यार को आपकी दोस्ती और आपकी खुशियों पर कुर्बान कर दिया। जिसके सिर पे आप इस मेहंदी को चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो इसके सूखने से पहले ही यहां से चला जाएगा। आपकी और मेरी शादी तो बाबू की जिद थी, उसकी जिद के सामने तो मैंने अपना सिर झुका दिया। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए राज साहब, मैं बाबू से प्यार करती थी, करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। देखा डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना मैं सच इसके मुंह से निकलवा के रहूंगा। देख लीजिए सच इसके मुंह से क्या, इसकी आंखों से फूट कर बह रहा है। दुर्गा, मैंने तुम्हें आज इसलिए रुलाया ताकि तुम जिंदगी पर हंस सको। अरे मैं तो तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता था। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रास्ते से कब का हट जाता। और ये मेरा पगला दोस्त बचपन से अपने को बहुत होशियार समझता है ना। अरे बेवकूफ, मुंह से निकला हुआ झूठ दिल से निकले हुए सच के सामने बहुत छोटा होता है। वो आंखों के जरिए सब कुछ बयान कर देता है।